यूं तो आपने कई सारी डांसिंग जोड़ियों के बारे में सुना होगा, लेकिन गाजियाबाद के डांस स्थान में आने वाले 12 वर्षीय सिद्धार्थ और 50 वर्षीय छाया की जुम्बा जोड़ी हिट है। इन दोनों को डांस करते हुए जो देखता है वो हैरान रह जाता है। दोनों जुम्बा सीखने के लिए डांस स्थान पर आते हैं, लेकिन डांस का बेहतर कोऑर्डिनेशन तो कोई इनसे सीखे। हेलो, नमस्कार, मैं छाया सिंह हूँ। छाया जी, आप यहाँ पे कब से डांस ट्रेनिंग ले रही हैं? 3 months हो गए मुझे। तो यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या कुछ आपने नई लर्निंग ली है? लर्निंग तो बहुत कुछ ली है, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। जैसे हम थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन सर ने हमें एक प्रोसेस बताया जो कि हमें नहीं आता था। छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के सर ने हमें बताया कि आप कैसे बड़ा स्टेप्स बना सकते हो, कैसे जो आपने कभी सॉन्ग सुना ना हो, कभी किया ना हो, उस पर आप कैसे कर सकते हो। मेरा नाम सिद्धार्थ भुजेल है। सिद्धार्थ, आप यहाँ पे डांस करने के लिए आते, कैसा लगता है? मुझे सही लगता है, और यहाँ पे जुम्मा वुमा वगैरह करवाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। डांस स्थान में योगा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि भी सिखाया जाता है। ऐसे कई ट्रांसफॉर्मेशन इस डांस स्थान के द्वारा किए गए हैं जिन्होंने अपना वेट लॉस किया है। इसके साथ ही जो बुजुर्ग यहाँ पर डांस सीखने के लिए आते हैं उन्हें अपने घुटनों या फिर कमर के दर्द से भी रियायत मिली है। तो मेरे को लगा कि यार मैं दूसरे के यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को यार अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने अपने टीम के साथ, प्रगति मैम के साथ, गौरव के साथ प्लान किया, ये डांस स्थान का प्लान करा। हम लोगों ने जो सेंटर बनाया खुद तीनों ने मिलकर बनाया, यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल बंदा नहीं आया। हम लोगों ने क्या करा, खुद ही पेंटर बने, खुद ही क्लीनर बने, खुद ही डस्टिंग करी, हर चीज़ खुद ही करी, पेंट भी खुद करा। यहाँ पे मोस्टली हर एज के लोग आते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई 15 का है, कोई 20 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है। हम लोग हर किसी के एज के अकॉर्डिंग उसको वो कराते हैं। जैसे कोई ज़्यादा एजड है तो उनके हिसाब से हल्का हल्का उनको कराते हैं, जो ज़्यादा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कुछ हम लोगों ने रिजल्ट्स भी ऐसे क्रिएट किए हुए हैं जो लाइव आप लोग अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे वो रिजल्ट भी है। और बाकी हम लोग एज के हिसाब से उनको कराते हैं, प्रॉपर एजुकेशन देते हैं कि कैसे उनको फिट रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। बाकी डांस क्लासेस और जुम्बा, एरोबिक, योगा, हम लोग सारे फॉर्म्स कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं फिट रहने के लिए।